बड़ी एक्टर बने, उसके लिए हम लोग सपोर्ट किया है, और सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने मेरे साथ किया। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू। असलम भाई असल में बिजनेसमैन है और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और इनके रिलेशन इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे लोगों से हैं, तो इनको बेटी को लगा था इस लाइन में, तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की बेटी के ऊपर, इतना कपूर जी गया उनको एक्टिंग वगैरह सिखाई, कोर्स कराया, और फिर उन्होंने तलाश की कहाँ से उनको हम लॉन्च करें, कैसे क्या करें, तो हमने इनके साथ दो म्यूजिक वीडियो किया। उसके बाद असलम भाई तो बिजनेस मैन, इनका बिजनेस वाला दिमाग है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम खुद की कंपनी डाल दें और खुद की कंपनी से अपनी म्यूजिक वीडियो वगैरह करें और फिल्म करें। बस अभी शुरुआत की है, आप लोगों का साथ चाहिए, बाकी हमारे बख्शी सर हैं, ये लोग हैं, साथ देंगे, किया जाए। हाँ, प्रिंस की रौनक है ये, जहाँ भी जाता है क्योंकि इसका एक परिवार बन जाता है। ये आप में खुद, मैं उस फिल्म में था, फिल्म का नाम था छल और उसका डायरेक्टर था अपना राजू, तो राजू श्रेष्ठा था और उसमें प्रिंस वॉज द हीरो एंड क्वाइट अ गुड वर्क ही डिड दैट, और वो फिल्म भी अच्छी थी, लेकिन ऐसे वक्तों में थी क्योंकि कोविड आया था गया था, उसी बीच में वो एक अच्छा काम था राजू श्रेष्ठा का, बट नेवर थिंग इज के शो मस्ट गो ऑन, फिल्म इंडस्ट्री का उसूल ये है कि जिंदगी का शो चलता रहे, कुछ भी हो जैसा भी हो चलता रहना चाहिए, ये खूबसूरती है फिल्म इंडस्ट्री की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।